यस बेटा, गुड आफ्टरनून. यस, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ग्रुप बी, एंड द फर्स्ट वॉज परसेंट वेट बाय वेट, एंड द सेकेंड वॉज मोल फ्रैक्शन. बेटा, जो मोल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट था उसके कुछ न्यूमेरिकल पैटर्न मेरे पास और बच रहे हैं. सो लेट अस मूव टूवर्ड्स हाउ टू सॉल्व द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन. यस बेटा, ग्रुप बी आया हमारे पास, और ग्रुप बी में जो सेकेंड पार्ट था वो मैंने लिखवाया था, दैट वॉज मोल फ्रैक्शन. इस मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल में आपको लिखवा रहा हूं. इसमें न्यूमेरिकल क्या है, नाउ क्वेश्चन नंबर इससे पहले भी आपको करवा दिए थे मैंने. अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो हमारा न्यूमेरिकल है वो लिखूंगा, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इनटू 120 ग्राम ऑफ वाटर. सो फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल. ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या क्वेश्चन है हमारे पास. लिसन, आई एम हैविंग क्वेश्चन दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल. वी आर हैविंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इनटू द 120 ग्राम ऑफ वाटर, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इज 120 ग्राम, एंड द अमाउंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज 60 ग्राम, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिथेनॉल. सो हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन. एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि भैया, अगर आप मोल फ्रैक्शन को निकालते हैं, इस न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या है. हमारे पास कंसेप्ट था मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना किसी भी सब्सटेंस का, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, अगर आप मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, मिथेनॉल लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, और प्लस करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिख देंगे, वाटर लिख देंगे. ये हमारे पास ये सिंबलाइज कर दिया हमने फॉर्मूला, ये आपको मैंने पहले बता दिया था. नाउ इफ यू वांट टू से अबाउट मिथेनॉल, अगर आप मिथेनॉल की बात करते हैं तो मिथेनॉल को CH3OH लिखा जाता है. दिस वन मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल, व्हाट इज दिस, दिस वन मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल भी इसे बोलते हैं बेटा, याद रखेंगे बच्चों. दिस वन पॉइजनस, अगर इथेनॉल होता C2H5OH. अगर आपसे ये पूछा जाए कि इथेनॉल हो गया मिथेनॉल हो गया, इन दोनों में से कौन सा पॉइजनस है, वैसे तो दोनों डेंजरस है. नाउ इफ यू वॉन्ट टू से अबाउट मिथेनॉल, तो मिथेनॉल अपने आप में क्या होता है, बिल्कुल पॉइजन होता है. अगर कोई भी, अगर मान लो किसी कहीं भी अगर इथेनॉल में इसकी कंटेंट अगर आ जाए तो ये पॉइजन के जैसा काम करता है, और बहुत सारे केसेस आते हैं कि जिसमें बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, अगर वो जो अल्कोहल है, जो इथेनॉल है, अगर वो मिथाइलेटेड है. लेट अस मूव, अब हम अपने कंसेप्ट पे चलते हैं कि हमारे पास जो मिथेनॉल है, अगर मैं इस मिथेनॉल का मोलर मास लिखूं बेटा, तो ये मिथेनॉल जो बना, कार्बन यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, प्लस करके ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 हो गया, तो ये कितना हो गया, 12 × 4 = 16 × 32, मतलब ये 32 बन गया. फॉर द कंसेप्ट, सभी बच्चों को पता है कि वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम. यहाँ कितना लिख दिया आपने, 32 ग्राम. ठीक है, बहुत क्लियर है ना, लिखो ग्राम कोई भी दिक्कत नहीं, और ग्राम लिख भी देते तो भी कोई गलत नहीं है. अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको मिथेनॉल के मोल्स चाहिए, फिर आपके पास वाटर के मोल्स चाहिए. सो हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल. अगर आप मिथेनॉल के मोल्स निकालते हैं,
तो नंबर मोल्स निकालने का तरीका सभी बच्चों को बता रखा है, गिवन मास बाई क्या बनेगा, मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है, दिस वन 60, और मोलर मास कितना है यहाँ पे मिथेनॉल का, दिस वन 32। तो भाई ये 60 है और ये 32 है, तो ये तो टू टाइम्स जाने से रहा, टू टाइम्स तो पूरा नहीं जाएगा, मतलब अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 16 हो गया और ये आपका 30 हो गया, या इसे भी आप डिवाइड करो तो ये 15 हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। मतलब 15/8 का मतलब हो गया, फिर भी 2 टाइम्स पूरा नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 1.87 कुछ जा रहा है, मतलब ये 1.88 के लगभग आएगा। ठीक है बेटा, कितना लिया बेटा हमने, जो मिथेनॉल है इस मिथेनॉल का मोल कितना निकाल दिया, 1.88। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वाटर का मास कितना है 120 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 18। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को पता है, और 18 सिक्स या कितना होगा 108, मतलब 6 तो यहाँ आ गया, पॉइंट रखेंगे, फिर कितना हो रहा है 108, मतलब कितना हो गया 12, मतलब कितना हो गया, ठीक है अगेन क्या करेंगे 6 टाइम जाएगा, या इसे आप ऐसे लिख देंगे 6.67, इतना मोल आ जाएगा हमारे पास, किसका आएगा, दिस इज द मोल ऑफ द वाटर। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि एन टोटल निकालो, तो एन टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एन मिथेनॉल हो गया प्लस करके क्या करेंगे एन वाटर हो गया, जो बराबर क्या किया बेटा 1.88 इसका लिया, और ये कितना लिया 6.67 इसका ले लिया, 8 और 7 15 हो गया, 8 और 6 14 1 15 हो गया, 6 7 1 8 हो गया, मतलब 8.55। ये हमारे पास सॉल्यूशन के टोटल नंबर के मोल्स आ गए। इतना निकालने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर मोल्स कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, ये एक बार नहीं, जब से मोल कंसेप्ट स्टार्ट करवाया हर बार नंबर मोल्स निकालना कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है वो रेगुलरली आपको बताया जा रहा। जब आपके पास नंबर मोल्स आ गए, आफ्टर दैट अब आप करो कि जो हमारे पास फॉर्मूला है काई, काई ऑफ मिथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकालना, जिसका मोल आपको मोल फ्रैक्शन निकालना उसके नंबर मोल्स को ऊपर लिख देते हैं, तो जो मिथेनॉल है उसके मोल्स कितने निकाले आपने 1.88, कितना है बेटा 1.88, नीचे कितना आ गया टोटल कितना आ गया मिथेनॉल, ध्यान देंगे नीचे क्या लिखेंगे एन मिथेनॉल प्लस लिखेंगे एन ऑफ वाटर, दैट्स वाई इन दोनों को मिला करके आपने कितना निकाल दिया, यहां वैल्यू टोटल कितनी आ गई 8.55, जो बराबर 1/8/8/5। अगर आप बेटा इसे कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने पे जो हमारे पास आंसर बनेगा 0. कितना आएगा दिस वन, ये आ जाता है मतलब 2, 1 और 9 के लगभग, ये हमारे पास क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा। व्हाट द कंसेप्ट, तो किसके मोल्स निकाल दिए बेटा आपने, मोल फ्रैक्शन निकाल दिए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का आपने मोल फ्रैक्शन निकाला और ये आया हमारे पास 0.219। अगर ये आपसे इस न्यूमेरिकल में ये पूछता कि भाई ऐसा करो वाटर के नंबर ऑफ वाटर का मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करो, सो इफ यू वांट टू सेव आउट, अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की अगर बात करते हैं, तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो समेशन ऑफ काई है, समेशन ऑफ काई आई जिसे बोलते हैं, वो इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन वाटर इट जस्ट इक्वल टू यूनिटी, टेकन टू बी यूनिटी, दैट्स व्हाई। अगर मान लो इन दोनों का सम कितना 1 है, और इसमें से अगर आपको वाटर का अगर आपने क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन निकालना था, जबकि यह पूछा नहीं गया लेकिन आप निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे बेटा, हमने क्या किया 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.219, और जो बराबर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 781, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, होप सो गुड, जो न्यूमेरिकल आपको करवाया ये बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव द सेकंड वन, दूसरा न्यूमेरिकल क्या बच रहा है इसमें वो मैं आपको बता रहा हूं, देखो आप, यस बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि ये लिख रहा है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 45 ग्राम of water। ठीक है बेटा,
सो फाइंड आउट द फर्स्ट 1% वेट बाय वेट एंड द सेकेंड वन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वॉटर। बहुत क्लियर है बेटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है? यू आर गिवन 30 ग्राम ऑफ यूरिया, कि आपको 30 ग्राम यूरिया दे रखा है। यूरिया कितना है? 30 ग्राम है। और कितना ग्राम वाटर है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 60 ग्राम ऑफ मिथेनॉल इज डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ वाटर। सेम थिंग क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हमने। क्या चेंज किया? कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया ले लिया यहां पे, और 45 ग्राम क्या लिया हमने? वाटर ले लिया। दिस वन ये सॉल्यूट के जैसा काम करेगा, ये सॉल्वेंट के जैसा काम करेगा। बहुत क्लियर है बेटा। देन यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट 1% वेट बाय वेट एंड द सेकंड वन यू हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। सो हाउ टू कैलकुलेट, क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा? इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले भाई ऐसा करो, अब यूरिया को समझो। यूरिया क्या है? यूरिया का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए। यूरिया क्या होता है? NH2CONH2, दिस वन यूरिया। आपको पता है कि नाइट्रोजन कितना है? दिस वन 28, ठीक है बेटा। और एक नाइट्रोजन हमारे पास ये भी है, तो नाइट्रोजन अगर हमारे पास ये दो मिला करके तो कितना बन गया? 28। या ऐसा लिख दो आप, दिस वन 2 × 14 कर दिया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। 1 × 4 × 1 कर दिया, प्लस क्या किया आपने? 12 हो गया कार्बन, प्लस करके ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। ये सारा का सारा अगर आप इसे ऐड करते हैं तो यूरिया का मोलर मास याद रखने वाला काम है ये भी। ये यूरिया कितना आ जाता है आपका? दिस वन 16, ये 28 हो गया, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया। सारा मिला करके कितना बनेगा आपका? 60 बन जाएगा। हर एक का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन 14 है, दो है तो 2 × 14 कर दिया। कार्बन कितना है आपके पास? दिस वन 12, ये 12 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है? 16 लिख दिया। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। एक हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है, इसलिए कितना माना? 60 बन गया। देन अब हमारे पास ये तो आया, हमारे पास यूरिया का मोलर मास आपने लिख दिया। इसके बाद 30 ग्राम हमारे पास क्या है? यूरिया है, 45 ग्राम वाटर है। तो अगर आपको पहला क्वेश्चन है अगर उसे सॉल्व करना है तो परसेंट वेट बाई वेट बराबर हम क्या लिखते हैं? यहां लिखा जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। और इनटू क्या कर देंगे? इनटू में 100, क्योंकि परसेंट की बात कर रहे हैं इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने आपको सिखा दिया था। दैट्स वाई परसेंट वेट बाई वेट को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट यूरिया, यूरिया कितना है बेटा? 30 ग्राम है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो वेट ऑफ क्या लिखेंगे बेटा? सभी को सिखा रखा है, सॉल्यूट हो गया, और वेट ऑफ क्या लेंगे बेटा? सॉल्वेंट लेंगे। इन दोनों का एडिशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट आपका 30 है, सॉल्वेंट आपका 45 है, इसलिए यहां नीचे क्या लिख दिया आपने? 30 + 45 × क्या कर दिया? 100 कर दिया। मतलब ये 30 हो गया, ये कितना बना? 75। ये कितना बन गया? 100 बन गया। यहाँ डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड कर दो, तो 25 × 100 हो गया, और ये 3 हो गया, 25 × 3 = 75, ठीक है। 3 से ये 30 कर दो, ये 10 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना बनेगा आपका? 40%। गॉट द कंसेप्ट? आपको समझ में आया कि परसेंट वेट बाय वेट कितना आया? इट जस्ट इक्वल टू 40%। और कोई भी दिक्कत नहीं हुई, अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको सॉल्यूशन का वेट निकालना आपको आ गया। बिकॉज सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं। सॉल्यूशन अगर बाइनरी है तो उसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट है, द फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट। और दोनों को ऐड करो जितना आएगा, और उसके बाद आपके पास ये कैलकुलेशन करके आपका आंसर बना परसेंट वेट बाय वेट। लेट अस मूव टुवर्ड्स मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। तो हम चलते हैं बेटा, नाउ द सेकंड टर्म, दिस वन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। सभी को पता है जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके ऊपर क्या लिखेंगे? मोल लिख देंगे, और नीचे टोटल का मोल लिखेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करो भाई कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो यूरिया के, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालो किसके? वाटर के। नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए। गिवन मास बाय मोलर मास, यूरिया का गिवन मास 30 है, मोलर मास अभी बताया था 60।
जो बराबर कितना है 1/2, जो बराबर कितना होगा 0.5, ठीक है बेटा। और यहां कितना है हमारे पास, वाटर कितना है, वाटर है हमारे पास 45 ग्राम, भाई कितना हो गया 18 हो गया। तो अगर ये 45 और ये 18 है तो मतलब ऐसा करो 18 × 2 = 36 हो गया, ठीक है। फिर कितना बच रहा है, 36 और 4 = 9, 18 × 5 = 90, मतलब 2.5 हमारे पास ये बना। ये आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स आगे, उसके बाद यूरिया के मोल्स आगे। अगर मैं आपको बोलूं कि एन टोटल निकालो, तो एन यूरिया प्लस एन क्या किया वाटर, एन यूरिया कितना है 0.5 प्लस वाटर कितना 2.5, बराबर कितना आया 3.0। गॉट द कंसेप्ट, कितना बना बेटा यहाँ टोटल मोल्स कितने आए, 3 मोल्स आ गए। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन वन बाय वन। द फर्स्ट वन, अगर आप क्या करते हैं कि मोल फ्रैक्शन निकालते हैं किसका, यूरिया का निकालते हैं। क्या किया बेटा आपने, यहाँ ऊपर कितना लिखा, दिस वन 0.5, इसके मोल्स टोटल मोल्स कितने हैं, 3 हैं, मतलब ये 3.0 था। दैट्स वाई आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/30 इसे लिख सकते हैं, डोंट कन्फ्यूज, ये 0.3 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, पहले 3 लिख देते हैं नीचे। अब यहाँ कितना बन गया, ये 0.5 था, ये 3, 5/30 मतलब कितना हो गया 1/6। बहुत क्लियर है बेटा, 1/6 हमारे पास क्या आया, यूरिया का आपने क्या निकाल दिया, मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉटर, दैट्स वाई वॉटर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, इसके नंबर मोल्स ऊपर लिख दिए, नीचे क्या करेंगे 3 लिखेंगे, मतलब ये दोबारा क्या होगा, ये 25 हो गया, नीचे आपका 30 बन जाएगा, 5 से डिवाइड करो, ये 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 6 = 30 हो गया, मतलब ये हमारे पास कितना आया, 5/6 आ गया। या अगर आप यहां से भी वाटर के मोल्स निकालने का दूसरा तरीका समझे, तो मोल फ्रैक्शन वाटर निकालने का एक तरीका क्या भी है, अगर आपने यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया तो 1 में से क्या करो 1/6, जो बराबर कितना आ जाएगा 5/6। ये भी तरीका हमारे पास यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया। चाहो तो आप इसे डिवाइड करके आप इसे पॉइंट में निकाल सकते हैं। होप सो गुड बेटा, जो न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा, जो हमारे पास ग्रुप बी का जो थर्ड वाला पार्ट बनता है, द फर्स्ट वाज परसेंट वेट बाय वेट, द सेकंड वन मोल फ्रैक्शन, एंड द थर्ड वन इज मोलैलिटी, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मोलैलिटी, व्हिच वन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे आपके क्या कहते हैं स्कूलिंग में, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने वाला जो टर्म है दिस वन मोलैलिटी। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स मोलैलिटी। यस बेटा, जो इसका थर्ड वाला पार्ट है वो लिखूंगा मैं, नाउ द थर्ड वन, दिस वन मोलैलिटी। मोलैलिटी को समझो आप, मोलैलिटी क्या चीज है, अगर मैं इसको यहां डिफाइन करके लिख दूं, सो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देंगे क्या बोला गया, हाउ टू डिफाइन द कंसेप्ट, कैसे करके हम मोलैलिटी को फाइंड आउट करते हैं। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द टर्म मोलैलिटी, सो दैट मोलैलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपने लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। आपको ध्यान क्या देना है कि पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट बोला गया, यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया हमने पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन। यहां बच्चा कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है, नॉट एबल टू लिसन कि भाई सॉल्यूशन बोला जा रहा है या सॉल्वेंट बोला जा रहा है। यहां बेटा हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है। तो ध्यान देंगे इसे जो सिंबलाइज करते हैं स्मॉल एम से, इसे सिंबलाइज किया जाता है, या मैं यहां लिखूंगा दिस वन मोलैलिटी, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लिखेंगे दिस वन वेट ऑफ सॉल्वेंट और इन केजी। ये हमारे पास, ये अगर मैं आपको ये बोलूं कि व्हाट वुड बी द यूनिट, अगर आपको मोलैलिटी की एसआई यूनिट निकालनी है तो इसे क्या लिखा जाएगा बेटा, मोल्स पर केजी लिखा जाएगा, डोंट फॉरगेट दिस वन। ओके क्लियर बेटा।
सो लेट अस मूव हाउ टू सिंबलाइज स्मॉल एम लिया, नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या किया एन लिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट को आपने क्या लिया दिस वन डब्ल्यू, और इन आपने क्या लिख दिया केजी में लिख दिया। वी कैन चेंज इफ द, अगर हमारे पास जो वेट है सॉल्वेंट का, इफ द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन इन ग्राम, अगर ये वेट ग्राम में गिवन है सो यू हैव टू चेंज, इस ग्राम को आप किस में चेंज करेंगे उस कंडीशन में केजी में चेंज करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, अगर मान लो हमारे पास ये फॉर्मूला ऐसे बना, ये एन हो गया और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में हो तो इसे क्या करेंगे थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे। जैसे थाउजेंड से डिवाइड किया अब इसे फॉर्मुलेट आगे करेंगे तो ये एन बनेगा, ये डब्ल्यू ग्राम वाला यहां आया, थाउजेंड ऊपर चला जाएगा, इसलिए अब हमारे पास जो फॉर्मूला बना बेटा ये फॉर्मूला ऐसे करके आ जाएगा। बहुत क्लियर है, यस एंड नो। अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है और मोलैलिटी निकालने के लिए अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर आपके पास ग्राम में है सो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, जो ये फॉर्मूला था इस फॉर्मूले को आपने क्या करना है थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देना। थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया कैसे करके मोलैलिटी निकालने। आप चाहो तो एन वाला कंसेप्ट आपको सिखा रखा, एन बराबर क्या बता रखा है गिवन मास बाय मोलर मास, या एन बराबर बाकी सारी चीजें और भी आपको बता रखी है कि एन बराबर क्या होता है नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स बाय क्या बनता है जिसमें अवोगाड्रो नंबर। अगर एन को आपको फाइंड आउट करना है तो एन निकालने का एक तरीका और भी था कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बाय क्या बनेगा दिस वन 22.4। जैसा न्यूमेरिकल का पैटर्न आपके पास होगा एज अकॉर्डिंग टू यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। तो हम चाहें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं कि जो एन है उसकी जगह पे लिख दूंगा डब्ल्यू बी, मतलब बी को मैं सोल्यूट मान रहा हूं तो डब्ल्यू बी इंटू, अगर मान लो कि इसमें है वॉल्यूम वेट जो है आपका क्या कहता है केजी में है ग्राम में है, थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख देंगे मोलर मास इंटू, यहाँ लिख दिया वेट हो गया, और वेट डब्ल्यू को मैं डब्ल्यू ए लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ए का मतलब आपको ये बताना चाह रहा हूँ ए इक्वल टू सॉल्वेंट, अगर मैंने बी लिखा तो बी का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दिस वन सल्यूट, दैट्स वाई वी हैव अनदर वन, हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी फॉर्मुलेट करके आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला सारे क्लियर होने चाहिए। अब इसके ऊपर कौन कौन से न्यूमेरिकल पैटर्न बनते हैं वो न्यूमेरिकल पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ, यूनिट मैंने आपको बता दी, लेट अस मूव। यस बेटा, यहाँ जो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट आया नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखो आप, दैट यू आर गिवन आर 28% वेट बाय वेट ऑफ के ओ एच, आपके पास 28% वेट बाय वेट ऑफ के ओ एच है, और यहां से ये बोल रहा है कि फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान से सुनेंगे बेटा, यू आर गिवन 28% वेट बाय वेट ऑफ क्यूएच पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विच वन इज कॉल्ड कास्टिक सोडा, भी इसे बोला जाता है कास्टिक पोटाश, सॉरी क्या बोला जाता है कास्टिक पोटाश। एक हमारे पास एनएच है बेटा और एक हमारे पास है क्यूएच, इसे बोला जाता है दिस वन कास्टिक सोडा और इसे बोला जाता है कास्टिक पोटाश। ध्यान देंगे बेटा, सभी को ध्यान होना चाहिए, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर भी सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। तो हमारे पास क्यूएच है और फिर हमने क्या निकालना, यू हैव टू फाइंड आउट मोलैलिटी, दैट्स व्हाई इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहां से ऐसा करो वेट ऑफ केओएच, केओएच का वेट कितना है, परसेंट वेट बाय वेट कहीं भी लिखा होगा ये याद रखना, मैंने पहले भी सिखाया था आपको, पिछला वीडियो जो मैंने आपको सेंड किया था अपलोड किया था बेटा, एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू कि जितना भी परसेंट है वेट बाय वेट अगर लिखा है तो सॉल्यूट का वेट उतना ही होगा, उसकी कैलकुलेशन भी है, क्योंकि परसेंट वेट बाय वेट बराबर क्या होता है, परसेंट वेट बाय वेट बराबर क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूट होगा बाय कितना होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा और इनटू क्या होगा 100 होगा। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे परसेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल होगा,
जितना परसेंट वेट बाय वेट बोला उतना ही क्या हो जाएगा, उसका वेट आ जाएगा। इसलिए अगर मैं यहाँ लिखूँ वेट ऑफ क्यू एच तो ये बराबर कितना हो जाएगा, दिस वन 28 ग्राम। और अगर हमारे पास जो क्यू एच है जिसे मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, ये बेटा सॉल्यूट है, तो अगर सॉल्यूट अगर 28 ग्राम है तो मैं क्या लिखूँगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूँ तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 100 में से 100 माइनस 28 जो बराबर कितना हो गया, 72 ग्राम। बहुत क्लियर है बेटा। अब आपको क्या करना, आपको कुछ भी नहीं करना, नथिंग, आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन मास है, मतलब गिवन मास डब्ल्यू बी ग्राम में है तो इंटू क्या कर दिया, 1000 कर दिया, नीचे एम बी लिख दिया और इंटू डब्ल्यू ए लिख दिया, और यहाँ किस में दे रखा है, ये ग्राम में दिया है। बस ये फॉर्मूला आपको याद था, आपने ये लिख दिया, बराबर क्या बनेगा, एम बराबर 28 हो गया, हमारे पास सॉल्यूट हो गया, इसका मोलर मास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होगा, दिस वन 56। ये याद रखना है बिकॉज इसके अंदर जो पोटाशियम है वो 39 का है, ऑक्सीजन 16 का है, 1 का है, ये मिला करके कितना हो गया आपका, दिस वन 56। यहाँ 56 लिख दिया, इंटू आपने 1000 कर दिया, डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए कितना है, 72 है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 28 दूना 56 हो गया, 2 से अगर आपने इसे डिवाइड किया 2 5 जा 10 हो गया, और ये बना आपका 500 डिवाइडेड बाई 72। और अगर आप 500 को 72 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हमारी जो आएगी, इट जस्ट इक्वल टू 6.94, इतना आएगा इसकी यूनिट के साथ में। अगर यूनिट क्या है इसकी, दिस वन मोलैरिटी स्मॉल एम से आपने क्या कर दिया, इसे डिनोट कर दिया बेटा। ठीक है बेटा, आगे आपको समझ में, ठीक है चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। यस बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है और यहां है, यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैविंग 1.2 m मोलैरिटी। यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैविंग मोलैरिटी 1.2 m एंड द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। सो फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान देंगे भाई कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे आप, आपको तो एक तो आपको मोलैरिटी गिवन है और दूसरा आपको आपको निकालना है, मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है, आपको स्मॉल m गिवन है, आपको डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है और आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में जो चीज आपको निकालनी होती है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स इसे, न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या होगा। इसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के मेरे पास दो मेथड हैं और उन टू मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं। लेट अस मूव द फर्स्ट वन। पहला मेथड क्या है, इसमें देखो आपकी जो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला आया, मोलैरिटी एम इक्वल टू क्या बनेगा, दिस वन एन बाई वी, वॉल्यूम अगर एम एल में है तो फॉर्मूले को क्या कर दिया आपने, 1000 से मल्टीप्लाई किया। एक ये फॉर्मूला था बेटा। दूसरा फॉर्मूला क्या था, एन को आपने चेंज कर दिया, डब्ल्यू बी इंटू 1000 लिख दिया, यहाँ आपने क्या लिखा, एम बी लिखा, इंटू वॉल्यूम लिखा, और वो वॉल्यूम किस में, एम एल में। नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस वन, क्योंकि डेंसिटी आपको ग्राम पर एम एल की है, इसलिए आपको ये पहले वाला फॉर्मूला ये अप्लाई नहीं करना है, सॉरी हाँ यहाँ एम एल में लिख दिया था मैंने, ठीक है, लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला दोनों में से कोई भी अप्लाई करो। यहाँ मैंने इसको थोड़ा चेंज करके क्या लिख दिया कि एन बराबर डब्ल्यू बी बाई क्या लिख दिया बेटा, एम बी लिख दिया। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि इसने लिखा कि यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैविंग 1.2 m मोलैरिटी।
जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसे सॉल्यूशन की मोलालिटी हम ऐसा लिख देंगे, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.2 m। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय 1.2 m, और किसका सॉल्यूशन है ये, दिस वन सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब हुआ अगर कहीं पे 1.2 m लिखा गया है तो मैं इसे थोड़ा चेंज करके 1.2 और इतना लिख दूंगा दिस वन, और ये हमारे पास क्या है, मोल है, इतने मोल्स पर kg। इसे m को लिखने का तरीका ये हो गया ना बेटा, ये लिखने का तरीका हो गया। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का 1 kg है, और सॉल्वेंट के 1 kg में जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, 1.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या, व्हाट डू यू मीन बाय 1.2 m? 1.2 m का मतलब है कि 1.2 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 kg, और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। तो मैं लिखूंगा इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स 1.2 मोल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये कंसेप्ट हमारे पास आ गया, बहुत क्लियर है बेटा। मोल्स कितने आए, 1.2, और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो सॉल्वेंट है उसका वेट कितना आया, ये आ गया 1000 ग्राम। सॉल्वेंट इतना है और सॉल्यूट हमारे पास 1.2 मोल है। तो ऐसा करो भी, सबसे पहले इस मोल को, नाउ ये मोल्स कितने हैं बेटा, यूरिया के हैं, तो ऐसा करो इस मोल को मास में चेंज करो। तो मोल को मास में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला है, n इक्वल टू डब्ल्यू बाई m होता है, और अगर आपको मास निकालना तो मतलब w किसका निकालेंगे आप, यूरिया का निकालेंगे। अगर यूरिया का मास निकालेंगे तो क्या करेंगे, n इंटू m करेंगे। n कितना है, दिस वन 1.2 इंटू जो m है यूरिया का 60, कितना आ जाएगा 12×6=72, मतलब ये आ गया 72। इतना ग्राम हमारे पास क्या आ गया बेटा, दिस इज द वेट ऑफ यूरिया। यूरिया का वेट, यूरिया सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम। अगर मैं आपको बोलूं, यहां से बोलूं कि बेटा ऐसा करो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट का वेट कितना है 72 ग्राम है, और प्लस करके क्या करेंगे, सॉल्वेंट का वेट लेंगे, सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया 1000 ग्राम, जो बराबर कितना हो गया 1072 ग्राम। बहुत क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, कितना आया 1072 ग्राम, दिस इज द वेट ऑफ द सॉल्यूशन। आपके पास सॉल्यूशन का वेट आ गया, आपके पास सॉल्यूट का वेट था, आपके पास क्या कहते हैं सॉल्वेंट का वेट था, अब हमने सॉल्यूशन का वेट निकाल दिया। जब सॉल्यूशन का वेट आपने निकाल दिया, बिकॉज आपको इस फॉर्मूले में चाहिए क्या, आपको वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम किसका चाहिए होता है, मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे अब हम, नाउ यहां से क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो बराबर क्या बनेगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय क्या बनेगा, डेंसिटी। क्या बनेगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास कितना निकाल दिया आपने, 1072 हो गया बेटा। डेंसिटी आपको दे रखी है न्यूमेरिकल में 1.25 हो गया, बहुत क्लियर है। ये आपने वॉल्यूम निकाल दिया, लेट अस मूव। ये जो वॉल्यूम आपने निकाला सॉल्यूशन का, ये किस में है, एमएल में है। सो नाउ पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। तो ऐसा करो मोलैरिटी निकालो, सबसे पहले आएगा डब्ल्यू बी कितना है भाई, डब्ल्यू बी का मतलब हो गया वेट ऑफ यूरिया सॉल्यूट, कितना है 72 इंटू क्या करेंगे बेटा, यहां ले लिया आपने 1000 बाय क्या करेंगे, मोलर मास। यूरिया का मोलर मास कितना आ गया, 60 आ गया, इंटू क्या करेंगे 1072। ठीक है बेटा, ये क्या आया, करेक्ट करेंगे 1072 बाय क्या बनेगा 1.25। इसे ऊपर ले जाओ, अगर आप इसे ऊपर ले जाते हैं तो 72 इंटू आपने क्या किया 1000 कर दिया, इंटू 1.25 किया बेटा आपने इसे, ठीक है।
और नीचे कितना आ गया आपका 60 हो गया इंटू क्या कर दिया आपने दिस वन 1072। देखो क्या क्या हो रहा है, यहाँ से 12 6 72 12 5 60 ये ऐसे हो गया, यहाँ से पॉइंट लिया आपने, यहाँ 2 0 लगा दिया, ये हटा दिया आपने, मतलब ये 2 0 और ये 2 0 आपने कैंसिल कर दी, यहाँ से आप इसे डिवाइड कर दो तो ये 2 आ गया, ये कितना बन गया आपका दिस वन 6 2 12 हो गया, यहाँ आया 125 हो गया, नीचे कितना आएगा दिस वन 1072 हो गया, ये बराबर कितना बनेगा अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 5 60 हो गया, 12 2 24 और 6 30 हो गया, और 12 3 कितना हो गया 15, मतलब ये इतना बना 1072 हो गया। इसे अगर आप डिवाइड करते हैं बेटा, ठीक है, यह आया 1500 डिवाइडेड बाई 1072, तो ये बराबर आपका बनेगा इट जस्ट इक्वल टू, मतलब ये आएगा 1 पॉइंट और ये नियर अबाउट आ रहा है 39 या अप्रोक्स जिसे हम बोलेंगे इट जस्ट इक्वल टू 1.4 इतना बनेगा। निकाल के आ रहे हैं आप कैपिटल एम निकाल रहे हैं बेटा, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बना। ये था हमारे पास दिस वन फर्स्ट मेथड, एक मेथड हमने क्या किया ये वाला अप्लाई किया दिस वन फर्स्ट मेथड। और अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरा मेथड शॉर्टकट का मेथड आप अप्लाई करें तो ऐसी कंडीशन में एक कंसेप्ट आपको दे रहा हूं कि अगर आपको शॉर्टकट में इसे सॉल्व करना है तो यहां एक फॉर्मूला बनता है जिसे बोला जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलालिटी। इफ यू वॉन्ट इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन एंड ऑल्सो गिवन मोलालिटी और मोलालिटी सो यू कैन फाइंड आउट। आपको मोलालिटी दे रखी है तो आप मोलालिटी निकाल सकते हैं और मोलालिटी गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हैं मोलालिटी को। दैट्स व्हाई यहां जो फॉर्मूला बनता है एम बराबर बनेगा दिस 1000 m बाई बनेगा 1000 of d माइनस करके m इंटू लिख देंगे mb। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे यहां कौन कौन सी टर्म क्या है ये आपको समझ में आने चाहिए। m का मतलब हो गया स्मॉल m मोलालिटी, कैपिटल m हो गया मोलालिटी, ये d का मतलब डेंसिटी और mb का मतलब हो गया दिस वन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट क्या क्या चीजें आपको गिवन है 1.2 m आपको दे रखा है, यहां लिख दिया आपने 1000 into m कर दिया, यहां से 1000 लिखेंगे इंटू आपने क्या कर दिया 1.25 आपको क्या दे रखी है दिस वन डेंसिटी आपको दे रखी है, माइनस किया m हो गया इंटू यूरिया का मोलर मास, यूरिया ही था हमारे पास दिस वन यूरिया क्या लिखा है हाँ दिस वन यूरिया, तो यूरिया कितना हो गया 60। दैट्स व्हाई अगर आप इसे सॉल्व करते हैं यहां से बेटा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो m आएगा उसे सॉल्व करते हुए ये फिर दोबारा से कितना बनेगा 1500 डिवाइडेड बाई 1072 इतना ही आ जाएगा, और जो बराबर 1.39 अप्रोक्स कितना लिख रहे थे आप इसे 1.4 और कैपिटल m। होप सो गुड बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब एक न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल मैं आपको और दे रहा हूं, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन क्वेश्चन नंबर थर्ड, और यहां 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ वॉटर, सो फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई, ध्यान देंगे बेटा क्या लिखा कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि इथेनोइक एसिड क्या है, जो एसिटिक एसिड है दिस वन CH3COOH, इसे बोला हमने एसिटिक एसिड। आगे जाकर के आप ध्यान देंगे ये कॉमन नेम है इसका, जिसे विनेगर भी बोलते हैं, दिस वन ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसे बोला जाता है। तो ध्यान देंगे बेटा ये जो एसिटिक एसिड है इसका आईपेक सिस्टम में जो इसका नाम बनता है इसे क्या नाम दिया दिस वन इथेनोइक एसिड इसे बोला जाता है। और इस इथेनोइक एसिड का मोलर मास अगर आप निकालो तो मोलर मास बराबर कितना आता है 60 आता है। ध्यान देंगे कितना ग्राम है 2.5 ग्राम है,
अगर आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या बनेगा, गिवन मास बाय मोलर मास बनेगा, ये तो सिखा ही रखा आपको, ठीक है बेटा। अब आपको निकालना है मोलैरिटी, दैट्स वाई मोलैरिटी इक्वल टू क्या बनेगा, डब्ल्यू बी इंटू क्या बनेगा 1000, क्योंकि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्राम में गिवन है जो सॉल्वेंट है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट के जैसा बिहेव कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ लिख देंगे दिस वन एम बी और इंटू क्या करेंगे डब्ल्यू ए, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मोलर मास, गॉट द कॉन्सेप्ट, यहाँ लिख देते हैं डब्ल्यू बी कितना है बेटा, दिस वन 2.5 इंटू कितना आ गया 1000, यहाँ एम बी कितना है हमारे पास, दिस वन एम बी 60 इंटू क्या करेंगे डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए कितना है 75, बहुत क्लियर है, यहाँ से इसका पॉइंट हटा दो, यहाँ जीरो यहाँ लगा दो, यहाँ 25 यहाँ 75 ये हो गया, यहाँ से दो जीरो ये कैंसिल कर दो, दो जीरो जैसे कैंसिल किया आपने, यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ कितना हो गया 6 18 हो गया, मतलब 2 5 10 हो गया, 2 9 18, ठीक है बेटा 5 बाई 9 है, ये हमारा क्या बनेगा बेटा आंसर बनेगा, या चाहो 9 से डिवाइड भी करो तो कितना हो गया 9 5 45, ठीक है ना, तो ये इतना बन जाएगा 0.55 और इतना आएगा स्मॉल का m, ठीक है बेटा, होप सो गुड। आप सभी बच्चों को आज का जो वीडियो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया, होप सो गुड, आप सभी बच्चों को बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, बहुत जरूरी है बेटा कि आपका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, 100% आपका रिस्पॉन्स मिले तो ही एक क्यूरियोसिटी रहती है कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बताई जाए, ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।